नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं अदिति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हम सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसकी शुरुआत की गई है इस उद्देश्य के साथ कि देश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना का नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। क्या है ये योजना, किस तरह से आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं कि हमारे देश के मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है इस योजना के बारे में। ई मार्केटिंग पोर्टल जैविक यानी कि ऑर्गेनिक उत्पादों को खेत से बाजार तक और बाजार से उपभोक्ता के द्वार तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। प्रोडक्ट्स की जानकारी, उसके मार्केट और सप्लाई चेन की जानकारी अब किसानों को और उपभोक्ताओं को आसानी से उपलब्ध होगी। तो अभी आपने जान लिया कि हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में, किस तरह से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके बारे में अभी आपने जान लिया। आइए इस योजना का सार क्या है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं, नजर डाल लेते हैं योजना के सार पर। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों का बढ़ना जरूरी था। इसी जरूरत ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को जन्म दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, तब कोई नहीं जानता था कि जिन रसायनों को हम मसीहा मान रहे हैं, आने वाले समय में वही जी का जंजाल बन जाएंगे। आज हालात ये हैं कि रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने फसलों को जहरीला बना दिया है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर भी बुरा असर डाला है। खेती में रसायनों के इस्तेमाल को लेकर चिंता पूरी दुनिया में है, बल्कि भारत सरकार तो मिट्टी की सेहत सुधारने को लेकर तेजी से काम भी कर रही है। इस काम के लिए मिट्टी का सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। परंपरागत कृषि विकास योजना का संबंध मिट्टी सुधार से ही है, बल्कि ये मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन स्कीम का ही उपघटक है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन जैविक खेती के जरिए ही मुमकिन है। वर्ष 2015 में शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना और स्वस्थ खाद्य पदार्थों का उत्पादन है। ऐसा तभी मुमकिन है जब खेतों में रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल हो। प्राकृतिक खाद के लिए न मोटी रकम खर्च करने की जरूरत है और न ही किसी दुकानदार के पास जाने की, बल्कि इसे खेतों से ही हासिल किया जा सकता है। यही कारण है कि परंपरागत कृषि में फसल लागत बहुत कम रह जाती है और किसानों की प्रति हेक्टेयर आमदनी में इजाफा हो जाता है। ये योजना किसानों को क्लस्टर या फिर समूह में खेती करने को प्रेरित करती है, जिसमें प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन और प्रमाणीकरण भी शामिल हैं। इस तरह से ये योजना किसानों को उद्यमी बनाकर सीधे स्थानीय और राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का काम करती है। रसायनों की वजह से मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण भी होता है। 2015 में शुरू हुई परंपरागत कृषि विकास योजना इस तरह के प्रदूषणों पर लगाम लगाती है और लोगों को स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर 3 साल 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता देने का प्रावधान है। इसमें से 31,000 रुपए किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं, जिससे वो जैविक खेती की तैयारी कर सकें, जरूरी सामग्री खरीद सकें, जैविक खाद और जैव कीटनाशकों के अलावा बीज वगैरह का इंतजाम कर सकें। जबकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत हर 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 8,800 रुपए दिए जाते हैं।
इस रकम को किसान मूल्यवर्धन और विपणन के अलावा भंडारण जैसे कटाई उपरांत फसल प्रबंधन पर खर्च कर सकता है। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने पिछले 4 साल के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,197 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम जारी की है। रकबे के हिसाब से 19,40,000 हेक्टेयर जमीन को जैविक खेती के लिए प्रमाणित किया जा चुका है। परंपरागत कृषि विकास योजना से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सकेगा और हमारी खेती जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनेगी। वहीं किसानों की भी जिम्मेदारी है कि वो खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग ना करें, बल्कि गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फास्फेट, जिप्सम से पौधों को पोषक तत्व पर जोर दें। तो जान लिया ना आपने इस योजना के बारे में, किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं, किस तरह से जैविक खेती की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर परंपरागत कृषि विकास योजना पर। अभी तक आपने इस योजना का सार जान लिया, किस तरह से आप इस योजना से जुड़ सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं, आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं और देखते हैं क्या है इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती के क्लस्टर बनाए जाते हैं। मैदानी इलाकों के लिए 1000 हेक्टेयर जबकि पहाड़ी हिस्सों में 500 हेक्टेयर तक के क्लस्टर बनाए जा सकते हैं। क्लस्टर एक ही गांव में या फिर आसपास के गांवों को मिलाकर बनाया जा सकता है। इस योजना से जुड़ने के लिए एक समूह में कम से कम 20 किसान हो और इनके पास 20 हेक्टेयर खेती की जमीन हो। इस तरह के 20 से 25 समूहों को मिलाकर क्लस्टर बन जाएगा। क्लस्टर के लिए समूह की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कृषि मंत्रालय ने जैविक खेती का एक पोर्टल भी बनाया है। इस पर जैविक खेती करने वाले किसान, सामग्री विक्रेता, प्रमाणीकरण एजेंसियां और मार्केटिंग एजेंसियां मौजूद हैं। आप इसके माध्यम से क्षमता निर्माण कर सकते हैं और जैविक बाजार की तकनीकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती के प्रोत्साहन में पहाड़ी इलाकों, जनजातीय क्षेत्रों और बारानी हिस्सों को प्राथमिकता दी जाती है। जैविक खेती के लिए केंद्र सरकार हर साल अलग अलग राज्यों को क्लस्टर आवंटित करती है, फिर राज्य सरकारें अलग अलग जिलों में इन क्लस्टर्स को बांट देती हैं। अगर आपके जिले को भी क्लस्टर अलॉट हुआ है और आप जैविक खेती करना चाहते हैं, तो जिले में उपनिदेशक कृषि या उपनिदेशक उद्यानिकी से जाकर मिलें। कुछ राज्यों में ब्लॉक स्तर पर भी कृषि अधिकारी तैनात हैं और कुछ जगहों पर पंचायत स्तर पर भी। अगर आपके गांव में भी इस तरह का कोई अधिकारी है तो फिर आपको जिले या ब्लॉक तक जाने की जरूरत नहीं होगी। अधिकारी से मिलकर आपको जैविक खेती के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन स्वीकृत होने पर आपको क्लस्टर में शामिल कर लिया जाएगा और फिर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट बनाना सिखाया जाएगा और जैविक खेती के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही आपको भ्रमण पर भी लेकर जाया जाएगा। जैसे ही आप जैविक खेती शुरू करते हैं, आपके प्रमाणीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। मिट्टी की सेहत बनाने में
और मिट्टी से रसायनों का असर खत्म करने में 3 साल का समय लगता है, इसलिए सरकार 3 साल तक आर्थिक सहायता देती है। अगर आप मानकों पर खरे उतरते हैं तो 3 साल बाद जैविक प्रमाणन मिल जाएगा। इसके बाद आप जैविक उत्पादों को बाजार में उतार सकते हैं। तो इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया के बारे में आपने जान लिया, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं आपके मन में। जानते हैं हम, समाधान आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिक्र किया था कि कई सवाल आपके मन में होंगे जिनके जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे हमारे इस सेगमेंट में। तो हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। तो फिर आइए रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। तो जैसे कि आज के हमारे कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में, ऐसे में आपके मन में कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले तो परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गगनेश शर्मा, बता दें ये डायरेक्टर इंचार्ज हैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर शर्मा बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी तो बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, जैसे हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है, इससे किस तरह के बदलाव की हम उम्मीद करते हैं और बदलाव हम देख भी रहे हैं, क्या जानकारी देंगे आप? परंपरागत कृषि विकास योजना इस वक्त चलाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये योजना जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है सरकार का वो ये है कि जितना भी केमिकल का लोड है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये जितने भी रसायन का इतना यूज़ हो रहा है, इसको धीरे धीरे थोड़ा कम किया जाए और जो खाद्य और खाद्य की जो सुरक्षा है, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं, तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए और धीरे धीरे जो है हम 1%, 2% से 5% और 10% तक अपना एरिया जो है जैविक खेती में लेकर आएं और जो भी जो कंज्यूमर हैं, जितने भी जो खाने वाले हैं, वो इससे लाभान्वित हों कि उनको थोड़ा जो खाना है वो कम मिले परंतु क्वालिटी फूड मिले, अच्छी गुणवत्ता वाला जो खाना मिले और सॉयल हेल्थ हमारी अच्छी हो, मिट्टी का हमारा जो प्रबंधन है, सॉयल हेल्थ की जो फर्टिलिटी है वो बरकरार रहे और सस्टेनेबिलिटी हो, जो प्रोडक्टिविटी में सस्टेनेबिलिटी के बहुत बड़े इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त, तो वो भी हो और क्लाइमेट जो रीसाइलेंट एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज की तरफ भी जा रहे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा रोक लगे। तो इससे जुड़ने से क्या फायदा मिलता है हमारे किसानों को, क्या कहेंगे आप डॉक्टर शर्मा? हाँ बिल्कुल, इससे पहले कि मैं आगे आपको और बताऊं, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो सरकार ने ये स्कीम चलाई है परंपरागत कृषि विकास योजना, ये 2 तरीके से स्कीम चल रही है। पूरे भारतवर्ष में ये PKVY के नाम से जानती है, परंपरागत कृषि विकास योजना हम इसे कहते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन MOVCDNER के नाम से ये स्कीम परंपरागत कृषि विकास योजना के साथ एक स्कीम जुड़ी हुई है। तो पूरे भारतवर्ष को इस तरह से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। PKVY स्कीम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को छोड़ के पूरी इंडिया में चलती है और ये सेंट्रली इसको हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं, मतलब 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट को इसको इंप्लीमेंट करने के लिए और 40% जो है प्लेन एरियाज के लिए वो राज्य सरकार का होता है और हिली एरिया क्षेत्रों की अगर हम बात करें यहाँ पर
और हिली एरियाज के लिए अगर हम कहें तो PKVY 90:10 के रेशियो से चलती है। हिली एरियाज जैसे हिमाचल प्रदेश है या कुछ और जहां पर हिल्स हैं, उत्तराखंड है, वहां 90:10 के रेशियो से ये PKVY की योजना चलती है। जी, तो अच्छी तरह से क्रियान्वयन हो रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन हमारे किसानों के मन में कई तरह के सवाल है इस योजना को लेकर। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान बहन हमारे साथ जुड़ गई हैं अतर कौर, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। पहले जी, जैविक खेती कैसे कर सकते हैं? रुझान बढ़ रहा है हमारे किसानों का, वही बात आ जाती है कि थोड़ी जानकारी की कमी रह जाती है। जी देखिए, जैविक खेती करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अपने आप को ये समझाना है कि मुझे केमिकल से, पेस्टिसाइड से निजात पानी है। मुझे केमिकल्स और पेस्टिसाइड सबसे पहले अपने आपको अंदर से हमें चेंज करना होगा कि मुझे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना है अपने खेत के ऊपर। जब आपने ये दिमाग में सोच लिया है, उसके बाद में आपको करना क्या है, आपके पास दो विकल्प हैं। एक है कि अगर आपके पास में काफ़ी पैसा है, आप एक बड़े किसान हो, तो आपको किसी के ऊपर निर्भर सब्सिडीज की जरूरत नहीं है। परंतु अगर अपने आप ही कर सकते हैं, अगर आपको सब्सिडीज की जरूरत है, थोड़ा आपके पास पैसे की कमी है, आप केमिकल से निजात पाके अपने यहाँ पर ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, खेत में बोटेनिकल्स कुछ बनाना चाहते हैं, तो आपको खुद शुरुआत करनी है। तो उसके लिए आप परंपरागत कृषि विकास योजना की स्कीम के लिए जुड़ सकते हैं। और उसके लिए आपको अपने जो लोकल कृषि अधिकारी है या डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, जो उपनिदेशक होता है कृषि, या उपनिदेशक उद्यान जो होते हैं, डायरेक्टर एग्रीकल्चर स्टेट लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा और कहना होगा कि परंपरागत कृषि विकास योजना का लाभ हमें दीजिए और हम अपना 1 एकड़, 2 एकड़ या 5 एकड़ एरिया जैविक खेती में लाना चाहते हैं। एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, धनी राम जी, उनकी क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हैं वो, आइए देख लेते हैं। कृपया हमें ये बताएं कि हम जैविक पदार्थ कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल, जो जैविक पदार्थ, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको कैसे बनाएं, एक तो दो चीज़ें होंगी, आप इनपुट्स की बात कर रहे होंगे, तो ऑर्गेनिक इनपुट्स जो जैविक खेती में, जैसे कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, गाय का गोबर है, काऊ, सबसे पहले तो आपको जब भी खेती की शुरुआत करनी है, जैविक खेती की स्पेशली, तो हमारे ट्रेडिशन को ध्यान में रखना है आपको, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, मतलब हमें गौ आधारित खेती को बढ़ावा देना होगा। जब भी हम जैविक खेती की बात करें तो गाय होनी चाहिए आपके खेत, आपके फार्म पर, और गाय से जो काउडंग निकलता है, गोबर निकलता है, या गाय की जो स्वीपिंग्स होती हैं, उनको आपको यूज करना है मल्च के रूप में, और काउडंग जो है, गोबर जो है, उसकी आपको अच्छी सी कंपोस्टिंग करके खाद तैयार करनी होती है, या केंचुआ खाद तैयार करें आप अपने खेत पर, और उसको आपको प्रति एकड़ आपके कितना उत्पादन होना चाहिए, कम से कम 2 से 5 टन तक अगर आप उत्पादन कर सकें इसका अपने खेत पर ही, और लोकल जितने भी आपके बायो रिसोर्सेज हैं, आपके पत्ते हैं जो कि वेस्ट होते हैं, गाय की स्वीपिंग्स वहाँ पर जब आप उनको चारा खिलाते हैं, तो उसके साथ जो काउ यूरिन, काउ डंग जो मिल जाता है, उसकी आप मल्चिंग करें, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक इनपुट्स आप अपने खेत पर ही बना सकते हैं। पदार्थ हैं इनपुट्स के लिए, शुरुआती खेती के लिए इस तरह से आप करें। ये शुरुआती तौर पर आप ये सोच सकते हैं कि आपको कॉस्ट भी कम रखनी है, बाहर से भी आपको कुछ खरीदना नहीं है, अपने ऑन फार्म ही आप सब कुछ बनाएं, और उसके अलावा आप आगे प्रोडक्शन को मेंटेन करें, और अगर आपको कीट और कुछ बीमारियों का अगर आपको सामना करना पड़ता है, वैसे तो जब आप जैविक में कन्वर्ट हो जाते हैं तो रिसर्च ये कहती है, शोध ये कहता है कि 50-70% बीमारियां और कीट जो है कम आना शुरू होते हैं हमारे खेत में, तो ये एक अच्छी चीज है। इसके अलावा भी आपको अगर जरूरत पड़ती है तो आप नीम बेस्ड या कोई भी कड़वी, जो भी आपके यहाँ पर जितने भी पत्ते हैं, उनका आप घोल तैयार कर सकते हैं और वो बायोपेस्टिसाइड के रूप में आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इनपुट्स की बात। अब जो भी जब आप इनपुट्स के साथ साथ आपको प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से भी गुजरना होता है, तो प्रमाणीकरण की भी आपको प्रक्रिया करनी होगी। उसके लिए आपको, जो अगर आप छोटे किसान हैं, तो आपको रीजनल काउंसिल, जो हमारे PGS इंडिया वेब पोर्टल पर 51 रीजनल काउंसिल्स हैं, उनमें से किसी को चूज करना होगा अपने एरिया के हिसाब से प्रमाणीकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए। तो वो आपको हेल्प करेंगे कि इस PGS सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन, जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है, जो किसान के द्वारा खुद का प्रमाणीकरण खुद ही करने की प्रक्रिया है, और वो लो कॉस्ट है, उसमें ज्यादा पैसा किसान का नहीं लगता है, वो छोटे किसानों के लिए ये सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया बनाई गई है। और परंपरागत कृषि विकास योजना में इस प्रक्रिया से जब आप जुड़ते हैं तो आपको 100% अनुदान दिया जाता है प्रमाणीकरण करने के लिए।
एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन जी, उनकी क्या समस्या है, क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं, आइए नजर डाल लेते हैं। ऑर्गेनिक मान ले किसान ऑर्गेनिक कर तो रहा है, अब उसे अवेलेबल बाजार में मंडियां नहीं है और सुविधाएं नहीं है, तो मंडियां जो किसान है वो कहां से तलाश करे। नहीं, इनका बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न जो है, बहुत ही अहम सवाल है कि मार्केटिंग कैसे करे किसान। ये जैविक के लिए नहीं, दूसरे किसानों का भी यही है जो कन्वेंशनल सिस्टम से जो फर्टिलाइजर डाल के भी उत्पाद तैयार कर रहे हैं, उनको मार्केटिंग कैसे करनी है, ये चैलेंज तो है ही है, हमेशा ही रहेगा। परंतु जैविक खेती के लिए सरकार ने एक जैविक खेती मार्केटिंग पोर्टल बना के रखा हुआ है, जिसमें सेलर और बायर अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं और बायर वहाँ से सेलर को डायरेक्ट मोबाइल से कांटेक्ट करता है कि चाहे उसका 10 किलो है या उसका 10 क्विंटल है या उसका 100 क्विंटल है, अगर उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करा रखी है जैविक खेती मार्केटिंग पोर्टल में। भारत सरकार ने इस जैविक खेती मार्केटिंग पोर्टल के लिए करोड़ों रुपए लगाए हैं और ये सभी किसानों के जो जैविक हैं उनके फायदे के लिए है। और अगर आप परंपरागत कृषि विकास योजना से जुड़े हैं तो आपकी डायरेक्ट इसी में ही जैविक खेती मार्केटिंग पोर्टल में ही आपको अपने उत्पाद को अपलोड करना होता है और फिर कोई जो बायर रजिस्टर्ड होता है वो बायर ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर देता है और आपके उत्पाद को उठाता है अच्छे दाम के ऊपर और ये चल रहा है। इस पर शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, आइए नजर डाल लेते हैं उस पर। मेरा ये विनम्र निवेदन है कि जो हम अपना उत्पाद किसान पैदा कर रहा है उसको सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं और उसका पैकेजिंग कर रहे हैं, और उसका ये है कि हम लोग अपने देश में तो हम स्टेट्स और अदर स्टेट्स पे इसको हम भेज ही रहे हैं, लेकिन ये है कि हम अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट से कैसे जोड़ सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल घरेलू स्तर ही नहीं, हमारे किसान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचना चाहते हैं, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं जैविक उत्पादों के जरिए, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए आपको जो PGS सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन है, मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूँगा कि PGS सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन डोमेस्टिक ट्रेड के लिए है, सिर्फ डोमेस्टिक में, जो हमारे भारत में ही, अगर आपको लोकल लेवल पर अपनी स्टेट में वहीं पर ही अगर आपको बेचना है तो जैविक खेती मार्केटिंग पोर्टल और ये PGS सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन से आपको गुजरना होगा, तो ये काफ़ी है। परंतु अगर आप सोचते हैं, अगर आप बड़े किसान हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पाद है जो जैविक है और आपने किसी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन बॉडी जो अपेडा द्वारा एक्रेडिटेड होती हैं उनसे आपको जुड़ना होता है, और उसके लिए आपको अपेडा की जो वेबसाइट है वहाँ से वो सर्टिफिकेशन बॉडी को सेलेक्ट करना होता है और वो सर्टिफिकेशन बॉडी आपका प्रमाणीकरण करती है, उसके बाद में आपकी हेल्प कर वहाँ से जो भी उत्पाद निकल के आता है और जो सर्टिफिकेशन बॉडी, जैसे वन सर्ट इंडिया है, इंडो सर्ट है, ऐसे नाम है सर्टिफिकेशन बॉडीज के, SGS इंडिया है, तो ये कुछ एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, ये एक्सपोर्ट में आपकी सहायता करती है और उनको अलाउड है एक्सपोर्ट करना, तो आपको अपेडा की सर्टिफिकेशन बॉडीज से जुड़ना होता है अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट का जो प्रावधान है वो अपेडा से ही आपको हेल्प लेनी होगी। आप अपेडा से यहाँ पर जुड़ सकते हैं अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, अपने उत्पादों को पहुंचाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी योजना है, हम उम्मीद करते हैं हमारे विशेषज्ञों ने आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाकर जो भी आपके मन में शंकाएं थी उन्हें दूर किया होगा। अब निश्चित तौर पर आप इस योजना से जुड़ेंगे, इसका लाभ जरूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर शर्मा आपका, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप इससे निश्चित तौर पर जुड़ेंगे और इससे लाभ भी जरूर लेंगे। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की, अगले अंक में बता दें हम आपको, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। अब इस योजना के बारे में कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके मन में, पहले ही हम तक पहुंचाइए, हमें ईमेल कीजिए, हमारी ईमेल आईडी है सरकार आपके साथ @gmail.com।
फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ और वहां पर हमारा पेज खुलेगा, उस पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही बता दें आपको डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-113-060, जिस पर आप अपना जो सवाल है पहले ही कॉल करके रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सोमवार से शनिवार तक आप कॉल कर सकते हैं 6 बजे से रात के 10 बजे तक। तो बता दिया है हमने आपको कि अगले अंक के लिए आप सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप सरकार आपके साथ देख सकते हैं, हमारी जो योजनाएं हैं उसके संदर्भ में अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।